नमस्कार साथियों, मैंने काफ़ी दिन के बाद आज वीडियो बनाया है बीपीएससी पीटी के टेस्ट सीरीज़ के लिए। और इससे पहले मैं तीन चार वीडियो बना चुका हूँ बीपीएससी 64th जो बीपीएससी है उसके प्री पेपर के टेस्ट सीरीज़ के तौर पे। कुल 15 क्वेश्चन रहेगा इसमें, आप टेस्ट सीरीज़ से गो थ्रू होइए, पूरा टेस्ट 15 क्वेश्चन आप देखिए, जितना आपका सही होता है आप कमेंट बॉक्स में जा करके लिखिए, और जो गलत होता है उसके बारे में पता कीजिए, उससे आपकी नॉलेज में बढ़ेगा ही। और जितने भी हमारे जो टॉपिक हैं, ये जो जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं, ये जो दूसरे स्टेट्स में और दूसरे स्टेट्स में बीपीएससी का वहाँ की जो स्टेट सर्विस कमीशन का जो क्वेश्चन आता है वहीं से ये उठाया गया क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन रिलेटेड है, एक बार गो थ्रू होइए इसके। चलिए पहला सवाल है, हिमालय का पर्वतपर्वतीय प्रदेश का नाम बताना है आपको। चार ऑप्शन आपके सामने है, ट्रांस, शिवालिक, विरहित, अरावली। सही जवाब दीजिए और अपनी साइड पर आप नोट डाउन कीजिए, कितना सही होता है कितना गलत होता है। इसका सही जवाब है शिवालिक, पहला का आंसर है शिवालिक। जो लोग चंडीगढ़ मोहाली वाले इलाके में रहते हैं उनको पता है शिवालिक फुटहिल्स पे है। दूसरा सवाल दीजिए, किसी जगह पे मानक समय तय करने का आधार होता है। देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा। चार ऑप्शन आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय समय, हमें सुना होगा GMT के बारे में या और दूसरे जितने भी टाइम जोन है उसके बारे में, तो आपको बताना है कि मानक समय तय करने का आधार क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है, सही जवाब दीजिए। चलिए सही जवाब है देशांतर रेखा, पहला जवाब जो है इसका वो सही है, देशांतर रेखा। एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सब कुछ अच्छी तरह से समझाया था, तो चैनल के बाकी वीडियोस में जाइए और जाकर के देखिए वीडियोस को। और जो मैंने पुराना बीपीएससी का जो क्वेश्चन है, जो 5 साल पहले 6 साल पहले, वो सारे क्वेश्चन भी वीडियोस डाल रखे हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु कहा जाता है। सिलिकॉन वैली असल में अमेरिका में किस जगह है? देखिए, जो सिलिकॉन वैली का जो नाम है ना वो अमेरिका से लिया हुआ है। आपको बताना है कि सिलिकॉन वैली जो असली सिलिकॉन वैली है वो अमेरिका में किस जगह है, कैलिफोर्निया, टेक्सास, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क। भारत का जो नाम है तो नकल की तरह लगता है, जैसे वहाँ से नकल कर लिया। चलिए सही जवाब है कैलिफोर्निया, तीसरा का सही जवाब है कैलिफोर्निया। अगले सवाल पर चलते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने है, चलिए इसका सही जवाब है पहला, ऑस्ट्रेलिया के पास एक प्रवाल भित्ति। देखिए नाम इसका, देखिए ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है ना, इतना धांसु अंग्रेजी का नाम राजस्थान में तो हो नहीं सकता, चाइना में भी नहीं हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पर ध्यान दे करके भी आप अपना ना प्रॉब्लम कम कर सकते हैं या सही जवाब के पास पहुँच सकते हैं। अगुलहास धारा कहाँ बहती है? ऑप्शन आपके सामने है, सही जवाब दीजिए, अगुलहास। तो यह सही जवाब है हिंद महासागर। अगले सवाल पर चलते हैं, किस वायुमंडलीय परत में जलवायु संबंधी गतिविधियां होती हैं? ऑप्शन आपके सामने है, सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है थर्ड, शोभ मंडल। अगले सवाल पर चलते हैं, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? स्वेज नहर किसको जोड़ती है, लाल सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, लाल सागर, काला सागर? ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए ऑप्शन, सही जवाब दीजिए और जो होता है अपने साइड पर आप नोट डाउन कीजिए आंसर को। सही जवाब है लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। अगले सवाल पर चलते हैं, अपवाह क्षेत्र ड्रेनेज एरिया की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील, अमेजन, कांगो, मिसिसिपी। ऑप्शन सभी आपके सामने, सही जवाब दीजिए। सही जवाब इसका है अमेजन। अमेजन अपवाह क्षेत्र की ड्रेनेज एरिया का मतलब है जहाँ से पानी कलेक्ट होकर के आगे नदी में जा रहा है, तो जैसे हर नदी का अपना एक पानी का सोर्स होता है, तो इसी तरह से जो ड्रेनेज एरिया है वो आपको बताना है किसका अधिक था। देखिए ऐसे लंबाई में नील नदी माना जाता है विश्व में सबसे अधिक, लेकिन जो ड्रेनेज एरिया है और जो नील और अमेजन का जो ड्रेनेज एरिया है इसमें दुगना का फर्क है, जो जितना एरिया ड्रेनेज एरिया का है टोटल एरिया अमेजन का नील से डबल है, मैंने इसको चेक किया है अच्छी तरह से। सारगासो किस महासागर से संबंधित है? सारगासो किस महासागर से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, सही जवाब दीजिए। सही जवाब है उत्तरी अटलांटिक। अगले सवाल पर चलते हैं, दसवां सवाल है,
भारत में शरदकालीन वर्षा कहाँ होती है, मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी ये जो महीना होता है इसमें से मेनली दिसंबर में ही बारिश होती है। ओडिशा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, जिन लोगों ने थोड़ा पढ़ा होगा, ज्योग्राफी का बेस क्लियर होगा, वो लोग सही जवाब दे सकते हैं। देखिए जो बारिश होती है ठंड के मौसम में वो तमिलनाडु में होती है मेनली, पर यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो तमिलनाडु कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक के भी कुछ हिस्सों पर, कुछ आंध्रा के कुछ हिस्सों पर इसका असर पड़ता है, लेकिन जो 80% जो बारिश है ठंडा वाला, ठंडा के मौसम में, वो तमिलनाडु में होता है। 11वां सवाल, भारत में सबसे अधिक बाढ़ ग्रस्त राज्य है, ऑप्शन आपके सामने है, सही जवाब दीजिए। जो लोग बीपीएससी का जवाब तैयारी कर रहे हैं और इस सवाल का गलत जवाब दिया तो एग्ज़ाम ना ही तो अच्छा रहेगा। तो इसका सही जवाब है बिहार, ठीक है। बिहार में बाढ़ से ग्रस्त एरिया है, इसकी कई रीज़न है, एक तो हिमालय से नदी आती है और जो पूरा सरकारी जो सिस्टम है, जिस तरह से होना चाहिए था बराज का, जिस तरह से नेपाल से प्रॉपर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करके सब कुछ मैनेज करना था, कब वहाँ से पानी छोड़ा गया, कब नहीं छोड़ा गया, तटबंध ठीक तरह से बनाना था, मतलब कुछ भी नहीं होता, लचर सरकारी व्यवस्था और बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, इन दोनों के कारण बिहार में बाढ़ आता है। 12वां सवाल देखिए, तुलबुल परियोजना किस नदी पे है, ऑप्शन सभी से आपने सभी ये वही पंजाब वाली नदी है, आपको सही जवाब देना है इसमें से। इसका सही जवाब है झेलम। अगले सवाल पे चलते हैं, अपने साइट पर आप नोट डाउन करते जाइए आप कितना सही कितना गलत हो रहा है, और जो गलत हो रहा है उसके बारे में पता कीजिए, नहीं पता चलता है कहीं से तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। सौर ऊर्जा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र। सही जवाब है कार्बन चक्र, ए पहला, 13 का फर्स्ट। विश्व का सबसे गहरा गर्त कहाँ है, आयरलैंड, फिलीपींस, इंडिया, जापान। सही जवाब बताइए, अपने साइट पर नोट डाउन कीजिए। इसका सही जवाब है फिलीपींस, फिलीपींस में दुनिया का सबसे गहरा गर्त है। 15वां सवाल है, सूर्य की किरण, कौन सी किरण सोलर कुकर को गर्म करती है, इंफ्रारेड, कॉस्मिक, पैराबैगनिक, रेड लाइट किरण। एक ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसका सही जवाब है पहला, इंफ्रारेड, ठीक है। यहां पर हमारे 15 सवाल पूरे हो गए, 15 सवाल बहुत है एक बार में, ताकि जो आपको नहीं पता रहे उसको आप सीख सकें। तो मैंने सभी सवाल बताए, उनके जवाब बताए, जितना भी आपका सही हुआ है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो लोग बीपीएससी या यूपीपीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग, हमारे बाकी भी टेस्ट सीरीज़ हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप वीडियोस पर चैनल के पेज पर जाइए, लोगो जहाँ पर बना हुआ है गोल सा, वीडियो के नीचे लोगो बना, लोगो पर क्लिक कीजिए, उसके बाद फिर चैनल चैनल खुल जाएगा, उसके बाद फिर वीडियोज़ पर क्लिक कीजिए, वीडियो का ऑप्शन रहेगा, वहाँ पर आपको सभी मिल जाएगा टेस्ट सीरीज़ का वीडियो। तो आप बाकी टेस्ट सीरीज़ का जो वीडियो है और जो पुराना बीपीएससी का वीडियो है वो सब भी देखिए, ये ओवरऑल बहुत बेनिफिशियरी है आगे आने वाले बीपीएससी के लिए। थैंक यू।